केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। आइए देखते हैं केलांचल टॉप 10, जहाँ पे होगी देश और राज्य से जुड़ी प्रमुख खबरें। बेंगलुरु में 11 दिनों में 543 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, प्रशासन में मचा हड़कंप। बीते 1 से 11 अगस्त के दौरान 0 से 18 आयु समूह के 543 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने से बच्चों में कोरोना के असर की आशंकाओं को बल मिलने लगा है। अकाउंट लॉक किए जाने पर राहुल गांधी ने कहा, ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर एक हमला है। ये राहुल गांधी पर हमला नहीं है, मेरे 19 से 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आप उन्हें नकार रहे हो। पोस्को एक्ट के कथित उल्लंघन पर लॉक हुआ राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट। पीएम मोदी ने लॉन्च की नई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का मुख्य फोकस है सड़क से पुरानी गाड़ियों को हटाना, ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। इसका फायदा कार मालिकों को भी मिलेगा और इंडस्ट्री को भी मिलेगा। पॉलिसी के फिटनेस टेस्ट को लेकर नियम काफी सख्त है। देश में हवाई जहाज से यात्रा हुई महंगी। देश में हवाई जहाज से यात्रा करना महंगा हो गया है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने घरेलू उड़ानों के न्यूनतम और अधिकतम किराए में 9.83 से लेकर 12.82% तक की बढ़ोतरी कर दी है। इसके साथ ही सरकार ने उड़ानों की संख्या 7.2% बढ़ाने की मंजूरी भी दे दी है। सरकार का यह आदेश तत्काल प्रभाव में लागू हो गया है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। केएल राहुल के खेल में इम्प्रेस हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड अथिया शेट्टी। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुनील शेट्टी की बेटी और एक्ट्रेस अथिया शेट्टी अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड क्रिकेटर केएल राहुल की परफॉर्मेंस से काफी खुश है। केएल राहुल ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉन्च एवं गुरुवार को शतक मारा है। खबर झारखंड से। झारखंड में 16 अगस्त से भारतीय महिला राष्ट्रीय टीम शिविर की मेजबानी। झारखंड राज्य अपने समृद्ध खेल संस्कृति और विरासत के लिए प्रसिद्ध है, जिसने पिछले कुछ वर्षों में कई चैंपियन एथलेटिक तैयार किया। उन्होंने वैश्विक मंच पर देश को गौरवान्वित किया है। जैसे जैसे भारतीय फुटबॉल एक साथ आगे बढ़ता है, झारखंड अपनी टोपी में एक और पंख जोड़ता है, क्योंकि वे AFC महिला कप इंडिया 2022 फ्लैगशिप कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की तैयारी के लिए 16 अगस्त 2021 से जमशेदपुर में भारतीय महिला राष्ट्रीय टीम शिविर की मेजबानी करेंगे। टाटा मोटर्स सलीमा और निकी को अल्ट्रोज कार गिफ्ट करेगी। भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने गुरुवार को घोषणा की कि कंपनी उन भारतीय खिलाड़ियों को अल्ट्रोज कार देगी, जो टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक से चूक गए थे। भारतीय गोल्फर अदिति अशोक, पहलवान दीपक पूनिया और महिला हॉकी टीम रविवार को समाप्त हुए टोक्यो ओलंपिक में चौथे स्थान पर रही। महिला हॉकी टीम में झारखंड की हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निकी प्रधान भी शामिल थी। कोरोना वायरस का कहर अब भी देश में जारी है। कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। इधर तीसरी लहर ने दस्तक देना शुरू कर दिया। कई राज्यों में सब कुछ अनलॉक हो रहा है, वहीं स्कूल मार्केट सब कुछ खोलने का सिलसिला जारी है, लेकिन कुछ जगहों पर तेजी से बढ़ते नए मामले ने चिंता बढ़ा दी। वहीं राजधानी की बात करें तो पिछले 3 दिनों में कोरोना के 49 नए मरीज सामने आए। इसमें ज्यादातर वैसे मरीज हैं जो दूसरे राज्यों से आए हैं। रांची को 21,000 और ईस्ट सिंहभूम को 18,000 कोविशील्ड की डोज। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए वैक्सीनेशन को तेज किया गया है। वहीं केंद्र से भी अब झारखंड को वैक्सीन की सप्लाई लगातार की जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाकर उन्हें कोरोना से सुरक्षित किया जा सके। शुक्रवार को रांची को कोविशील्ड की 21,000 डोज दी गई है। वहीं ईस्ट सिंहभूम को कोविशील्ड की 18,000 डोज भेजी गई। धनबाद को 70,500 और गिरिडीह को 70,000 डोज मिली। इसके अलावा जिले को जरूरत के हिसाब से वैक्सीन भेजी गई है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से मिलने के लिए एक शख्स हरियाणा के हिसार से पैदल ही रांची के लिए चल पड़ा। करीब 1400 किलोमीटर की यात्रा कर पहुंचा अजय गिल धोनी के घर के बाहर उनसे मुलाकात के लिए खड़ा है। धोनी के इस चपरा फैन का कहना है कि वह तब तक रांची में ही रहेगा जब तक धोनी से मिल नहीं लेता। अजय गिल हरियाणा से हाथों में तिरंगा और बल्ला लेकर हवाई चप्पल पहने पैदल ही 29 जुलाई को रांची के लिए निकला था। बनारस तक आते आते उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया, तो वहां से रांची तो वो बस से आए।
उसके पांव में छाले पड़ गए हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।